सागर के हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के बॉयज हॉस्टल के पास तेंदुआ नजर आने से रात भर कैंपस में दहशत का माहौल रहा। हालांकि देर रात तक वन विभाग का अमला और विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मी तेंदुए की सर्चिंग में जुटे रहे, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है। इसके बाद सभी छात्रों और स्टाफ के लिए एहतियात के तौर पर अकेले ना निकलने की सलाह दी गई। सभी को बताया गया कि जब भी बाहर निकलें तो ग्रुप में जाएं, ताली बजाते हुए रास्ते से गुजरें या किसी भी प्रकार का शोर करते रहें, जिससे जंगली जानवर उनके पास नहीं आएगा। रात भर सभी स्टूडेंट डर के साए में हॉस्टल में ही दुबके रहे। दरअसल सागर विश्वविद्यालय की आर्यभट्ट हॉस्टल की सड़क पर सोमवार के शाम एक तेंदुआ दिखाई दिया था। छात्र उसी समय हॉस्टल की छत पर टहल रहे थे। तेंदुआ दिखा तो उन्होंने शोर किया, तो और दूसरे छात्र भी आ गए। इसी दौरान उन्होंने अपने मोबाइल से एक वीडियो भी बना लिया, जिसे वार्डन को भेजे। वार्डन के माध्यम से प्रबंधन तक पहुँचा। वन विभाग भी सूचना पर अलर्ट हुआ और शाम से लेकर रात तक 2 से 3 बार दलबल के साथ सर्चिंग को पहुंचा। और वहीं इसके बाद विश्वविद्यालय के सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट पर रहने को कहा गया। प्रत्यक्षदर्शी छात्रों ने बताया कि जब से तेंदुआ देखा है, पूरे कैंपस में सन्नाटा पसरा हुआ है। सुरक्षा गार्ड के द्वारा लोगों को अवेयरनेस किया जा रहा है। वहीं इसके अलावा बॉयज हॉस्टल में डर का माहौल है। माहौल अभी थोड़ा बहुत डर का बना हुआ है। स्टूडेंट्स के बीच में अवेयरनेस फैलाया जा रहा है। जो गार्ड्स हैं हमारे, वो गाइडलाइंस दे रहे हैं कि अकेले कहीं बाहर ना निकलें, ग्रुप में ही निकलें, और अगर अकेले ग्रुप निकलते हैं तो ताली बजाते हुए निकलें या फिर कुछ शोरगुल करते हुए, ताकि वो दूर से ही डर के चला जाए, क्योंकि वो शोरगुल से पास नहीं आता। हम लोग हॉस्टल में थे और ऊपर 2-3 भैया लोग गए, वीडियो बनाने लगे। तब हम लोग भी उनको सुन के गए, देखे कि बगल में तेंदुआ टहल रहा था, और भैया खुद से चिल्लाए, तेंदुआ मुड़ के उधर नीचे झाड़ी में चला गया। अच्छा, बच्चे डर गए हैं, सब अपने ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, और हॉस्टल में जितने भी वार्डन और लोग हैं, बच्चों को सतर्क करवा रहे हैं कि आप सतर्क रहिए, ताली बजाइए, ऐसे ऐसे। विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉक्टर विवेक जायसवाल ने बताया कि तेंदुआ देखने का वीडियो सामने आया है। वन विभाग और विश्वविद्यालय की ज्वाइंट टीम लगी हुई है। जी देखिए, ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो अभी हमारा नया हॉस्टल बना है आर्यभट्ट हॉस्टल, उसका जो लिंक रोड है, उसमें तेंदुआ देखे जाने की खबर आई है। उसका कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाया है। तो इसकी जैसे ही सूचना मिली, तो हमारे विश्वविद्यालय की सुरक्षा विभाग और इसकी सूचना वन मंडल, जो सागर का वन मंडल है, उनके अधिकारियों को दी गई है। उनकी टीम यहाँ आके विजिट कर चुकी है और हमारे सुरक्षा अधिकारी और पूरा सुरक्षा जो अमला है, उस पर लगातार सर्च में और सुरक्षा विभाग और वन मंडल दोनों के ज्वाइंट ऑपरेशन में, ये भी रात में जैसे डिसाइड हुआ कि यहाँ कैसे क्या करना है वन विभाग की तरफ से, तो उसको देखे जाने और पकड़े जाने की जो भी उसकी रणनीति होगी, उस हिसाब से काम किया जाएगा। वन विभाग के SDO हेमंत यादव ने बताया कि यह तेंदुए का रहवास क्षेत्र है, इसलिए विश्वविद्यालय प्रबंधन से कहा गया है वहां पर इस तरह की साइन बोर्ड लगाया जाए, ताकि लोगों को इसकी जानकारी रहे और सतर्क रहे। जंगल है तो यह उनका विचरण क्षेत्र है, रेंजर से लगातार गश्त करने के लिए भी कहा गया है। आज यूनिवर्सिटी क्षेत्र में एक तेंदुए का वीडियो प्राप्त हुआ था, उसकी पुष्टि के लिए मौका स्थल का निरीक्षण किया गया था। जो यूटीडी जो हॉस्टल है, उस क्षेत्र का बताया गया है और उसकी पुष्टि भी की गई है। इस संबंध में यूनिवर्सिटी प्रशासन को अवगत कराया गया है।
परिषद अधिकारी सागर को भी बताया गया है कि अपनी टीम के साथ में गश्त करें, और वहां पर जो बच्चे रह रहे हॉस्टल में वहां के प्रशासन को भी बताया गया है कि आप जो है सावधानी बरतें, वहां पे साइनेज बोर्ड लगवाएं जिससे कि लोगों को ये ज्ञात रहे कि यहाँ पे तेंदुए का विचरण क्षेत्र है। चूंकि प्राकृतिक जंगल है इसलिए अच्छा होगा कि हम सभी सतर्कता बरतें और वन्य प्राणी के रहवास का भी सम्मान करें। स्वरोजगार अब आपके द्वार, अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें। लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है। पेपर डिस्पोजल उद्योग, मिल्क प्रोसेसिंग उद्योग, कुरकुरे चिप्स उद्योग, मसाला उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, बेकरी उद्योग, कटीले तार उद्योग, नमकीन उद्योग, फ्लोर मिल, आटा चक्की, पापड़ उद्योग, कील उद्योग, पशु आहार उद्योग, तेल उद्योग, राइस मिल। हमारा पता है चमेली चौक स्कूल के पीछे, रविशंकर वार्ड सागर। 9893212448 9516239221 7400849380 8959991015।